बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू लेके आई हूं। ऐसी शैम्पू लेके आई हूं जो आपके बालों को खूबसूरत बनाएगी, आपके बालों को हेल्दी करेगी, लॉन्ग करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत ही बेस्ट शैम्पू मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और जिसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। बहुत सारी ऐसी होती है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आज ऐसी आप लोगों के लिए शैम्पू लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी प्राइस भी कम है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पामोलिव एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये आपके सर से खुश्की को, सिकरी को ख़त्म करेगी। फ्रेंड्स, आपको पता है जब बालों में, सर में खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, तो ये आपके बालों की ग्रोथ नहीं होने देती। आपके बाल दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ है, आप उनसे पूछें, देखिएगा कि वो आपको खुद बताएंगे कि जब से उनके बालों में डैंड्रफ है, कैसे उनके बाल रफ़ हो गए हैं, डल हो गए हैं और गिरना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों के बालों में खुश्की होती है, बालों में डैंड्रफ होती है, उनके बालों की कभी ग्रोथ नहीं होती, दिन ब दिन उनकी कंडीशन ख़राब ही होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने बालों की ग्रोथ के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए, उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए, सबसे पहले आप अपने बालों में डैंड्रफ को ख़त्म करें, फिर ही आपके बालों में खूबसूरती आएगी, आपके बाल लंबे होंगे। उसके लिए आप ये शैम्पू यूज़ करो, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो। क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ऐसे ना करें। आप अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये शैम्पू यूज़ करें, 1 से 2 माह आप इसे यूज़ करें, लगातार आप इसे इस्तेमाल करें, वीक में 3 बार इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आपके बालों से कैसे डैंड्रफ ख़त्म होगी, कैसे आपके बाल खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप इसे यूज़ करें और आप देखिएगा आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और भी बहुत सारी है जो शैम्पू जो डैंड्रफ को ख़त्म करती है, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट है। और इसे 3 वीक में आपने 3 बार यूज़ करना है, ये नहीं कि आप एक बार यूज़ करो और साथ में कोई और यूज़ कर रहे हो शैम्पू। आपने सिर्फ इसे यूज़ करना है और वीक में 3 बार यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी कोई भी शैम्पू आप लगाते हो, पहले आप बालों में तेल ज़रूर लगाया करो, मसाज किया करो, आधा घंटा रहने दिया करो, फिर जो भी आपने शैम्पू इस्तेमाल करनी हो वो किया करें, फिर आप देखिएगा आपको कोई भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते आपको फिर उसका रिज़ल्ट मिलेगा। पहले बालों में शैम्पू करनी है, तेल लगाना है सॉरी, और फिर आपने शैम्पू करनी है। और अगर सारी रात आप बालों में तेल नहीं रहने देना चाहते, तो आप दिन के टाइम, कोई भी आपका टाइम हो, उस टाइम पे आप तेल लगाओ, 1 से 2 घंटे रहने दो, फिर आप शैम्पू लगाओ। फ्रेंड्स, अगर आप बालों की खूबसूरती चाहते हैं, चाहते हैं हमारे बाल अच्छे हों, खूबसूरत हों, लंबे हों, तो उसके लिए आपको शैम्पू के साथ दूसरी भी पूरी मेहनत करनी होगी साथ में, तो तभी आपके बाल खूबसूरत होंगे। तो ऐसा आप करें, अच्छे से ख्याल रखें अपने बालों का, तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।